हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, मार्केट के गिरावट के बीच में इंडेक्स भले ही 20-22% के आसपास करेक्ट हुआ हो, पर इंडिविजुअल शेयर्स में अगर देखें तो 50% से ऊपर की गिरावट काफ़ी शेयर्स में आ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसे शेयर्स आपके लिए लेकर आए हैं जो अपने सेक्टर में मोनोपोली डिओपोली पोजीशंस होल्ड करते हैं और अपने हाई से काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, हम ऐसे शेयर्स लगातार हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर जो है फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, कंपनी अच्छी है, सिर्फ जो है मार्केट के करेक्शन के साथ करेक्ट हुए हैं और कंपनी का जो फ्यूचर और फंडामेंटल है वो इंटैक्ट है। फ्रेंड्स, हमेशा जब बुलरन आता है तो लोग किसी भी रेट पे शेयर खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब वही शेयर सस्ते में मिलते हैं तो आप उनकी तरफ नहीं देखते, फिर से उनमें जब तेजी बनेगी तो फिर से लोग उनकी तरफ भागेंगे। अगर आप करेक्शन के समय पर अच्छे शेयर एक्यूमुलेट करें तो आप लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसलिए 3 शेयर हमने आपके लिए आज हाईलाइट करें। फ्रेंड्स, एक बार करेक्शन की अगर बात करें तो काफी लोग कह रहे हैं कि करेक्शन जो है कब रुकेगी, कुछ को लगता है बॉटम बन गया है। फ्रेंड्स, आप एक बात समझ गए, जिस तरह से बियर बुल रन काफी लंबा 18 महीने के आसपास चला है, इस तरह से कंसोलिडेशन के बाद में अगर मार्केट बियर फेज में जाती है तो वो भी काफी लंबा चल सकता है। तो मार्केट में अगर आपको लग रहा है बॉटम बन गया है तो अभी तो जस्ट करेक्शन की स्टार्ट हुई है, करेक्शन काफी लंबी जा सकती है, दोनों तरफ के मौके आपको मिलेंगे, ऊपर भी नीचे भी। आप देख रहे हैं हर उछाल में जो है बिकवाली आ रही है, इंडिविजुअल शेयर लेवल पर भी और इंडेक्सेस लेवल पर भी आपको जो है दोनों तरफ के मौके मिलेंगे। अब वो मार्केट खत्म हो चुका है और यहाँ पर करेक्शन कंसोलिडेशन अभी काफी लंबा चल सकता है। अभी भी ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि बॉटम बन गया और यहाँ से वी शेप रिकवरी आएगी, उसके लिए काफी लंबा समय लग सकता है। अभी मेरा मानना है कि मार्केट अच्छा खासा बियर फेज में जा सकता है और हर स्टॉक में आपको अच्छे खासे यहाँ से भी नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं आप अच्छे शेयर्स को चूज करें, अपनी वॉचलिस्ट में डालें, जिस दिन भी मार्केट खराब हो एसआईपी मोड में अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 10 शेयर उस दिन खरीद लीजिए। पहला शेयर जो हम आपके लिए लाए हैं फ्रेंड्स वो सीडीएसएल का शेयर है। अनडाउटेडली जो है डिओपोली एनवायरमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है, सीडीएसएल और एनएसडीएल दो ही डिपॉजिटरी सर्विस हैं। जिस तरह से डीएमएट अकाउंट्स लगातार खुल रहे हैं और आने वाले टाइम में भी खुलते रहेंगे, अभी भी इंडिया में जो डीएमएट अकाउंट है कंपैरेटिवली ग्लोबली से कंपेयर करें तो बहुत कम है और बड़ी जो है मास पॉपुलेशन जो है अभी भी अनपेनिट्रेटेड है, तो यहाँ पर जो है अनलिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। 40% के आसपास करेक्ट हो चुका है, 1100 रुपए के आसपास का सीएमपी है, 1700-1800 रुपए से स्टॉक करेक्ट होके आया है, बहुत ही एसेट लाइट मॉडल और 60% से ऊपर का ऑपरेटिंग मार्जिन पे ऑपरेट करने वाली ये कंपनीज है। ग्रोथ पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छी देखने को मिली है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पर बॉटम बन गया है, खरीदेंगे तो वी-शेप रिकवरी आएगी। ऑब्वियसली जिस तरह का मार्केट मूड माहौल है यहाँ से भी स्टॉक्स में नीचे के लेवल मिलेंगे। ना आप बॉटम प्रिडिक्ट कर सकते हो ना टॉप प्रिडिक्ट कर सकते हो, सिर्फ आप एक ही चीज कर सकते हो, जब वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगे तो एसआईपी मोड में एक्यूमुलेट कर सकते हो और यहाँ से स्टॉक कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव लगने लगा है। और अगर लॉन्ग टर्म का होराइजन बना के चले 4-5 साल में तो ये स्टॉक बड़े मल्टीबैक रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। इसी स्पेस की दूसरी कंपनी कैम्स के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर एड मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेंड्स जो है इंडिया का लार्जेस्ट रजिस्ट्रार है जो म्यूचुअल फंड्स के ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करता है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स भी कंपनी चलाती है, इसके अलावा कई और सर्विसेज हैं कंपनी की। 72% के आसपास का मार्केट शेयर है, 40-45% की ऑपरेटिंग मार्जिन पर कंपनी ऑपरेट करती है। जिस तरह से म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्शन बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है कंपनी। 48% के आसपास 4100 रुपए के हाई से करेक्ट होकर 2200 के आसपास आ चुका है, 1230 रुपए के आसपास शायद इस कंपनी का आईपीओ आया था 2 साल पहले। तो फ्रेंड्स बहुत अट्रैक्टिव लेवल पर बहुत ही अच्छी कंपनी है और जिस तरह से टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इन्होंने किया है, जिस तरह से ये कंपनी लगातार टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, इस कंपनी का फ्यूचर अनडाउटेडली बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी कंपनी है जो लो और भूल जाओ, देखो ही मत, 10-20 साल पड़ा रहने दो, हर बहुत मल्टीबैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है। तीसरा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, मोनोपोली बिजनेस, 95-96% के आसपास का मार्केट शेयर है, 48% अपने हाई से करेक्ट हो चुका है। पावर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, इंडिया में जिस तरह से पावर की डिमांड बढ़ रही है, जिस तरह से जो है आपने देखा है वॉल्यूम इस एक्सचेंज पे बढ़ रही है, ये कंपनी बहुत बढ़िया और सब्सटेंशियली करेक्ट होने के बाद लेवल्स भी बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। बड़ा जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट है, नए नए जो है
टेक्नोलॉजी को ये लोग यूज करते हैं, वेल एक्सपीरियंस प्रमोटर है इस फील्ड में, सबसे बड़े मार्केट शेयर है, लगातार वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, काफी अच्छी ये कंपनी है। तीनों ही कंपनी जो आज डिस्कस कर रहे हैं, फंडामेंटल इनका कोई तोड़ ही नहीं है। मैं मानता हूं फ्रेंड्स कि जब भी अगला बुल रन 2-3 साल में आएगा, वहां पर एक बड़ा रन इस तरह के शेयर्स में देखने को मिलेगा। और अभी भी जिस तरह का करेक्शन है, अच्छे एक्यूमुलेशन लेवल आपको इन सब शेयर्स में देखने को मिलेंगे। सिर्फ आपको एक वॉचलिस्ट बना के रखनी है और हर करेक्शन पे छोटी छोटी क्वांटिटी उठानी है ताकि आपको बॉटम फिशिंग करके एक अच्छा एवरेज मिले। और जब स्टॉक में मार्केट में रिकवरी देखने को मिले, चाहे वो आज मिले या 1.5 साल 2 साल बाद मिले, आपके पोर्टफोलियो में जो है अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अनडाउटेडली ये तीनों शेयर्स बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा भी फ्रेंड्स काफी सारे शेयर्स जो हैं काफी अच्छे लेवल पर आ चुके हैं। अपने चैनल पर हमने लार्सन जो है कई बार डिस्कस किया है, वो स्टॉक भी काफी अच्छे लेवल पर आ चुका है। आईटी स्पेस की काफी कंपनीज 12-15-16 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन काफी करेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे काफी बिजनेसेस जो है काफी करेक्ट हो चुके हैं। आप एक अच्छी वॉच लिस्ट अच्छे फंडामेंटल शेयर्स की बनाइए, अपनी रिसर्च करिए, अगले 12 से 18 महीने एक्यूमुलेट करने के हैं। अगर आपने ये कर लिया पेशेंस के साथ में, तो आप अगले 5 साल में इतना पैसा पीट लोगे मार्केट में कि आप जो है जितना इन्वेस्ट करोगे कई गुना उसका पैसा आप बना सकते हो। सिर्फ पेशेंटली अच्छे शेयर चूज करिए, अपनी रिसर्च करिए और पेशेंटली इन्वेस्ट करिए मार्केट में। आगे अगले 12 से 18 महीने एक बहुत अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो